हेलो नमस्कार दोस्तों, फुटपंडा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए पुलाव लाई हूँ। यह पुलाव आलू मटर और पनीर की है। यह बहुत ही अच्छी और लजीज डिश है, इसे आप लोग जरूर ट्राई करेंगे। बहुत ही टेस्टी है दोस्तों। सबसे पहले आप लोग सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली। आज दीपावली के दिन ही मैं आप लोगों के लिए ये रेसिपी दे रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक पॉट किया है, यह 1 पॉट में बहुत ही टेस्टी है। मैंने पॉट को गैस पर रख के गैस ऑन कर दिया है। उसके बाद मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है और थोड़े से बटर भी डाले थे। बटर के साथ मैंने कुकिंग ऑयल डाला है जिससे कि मेरे बटर गले नहीं। उसके बाद मैंने खड़े गर्म मसाले को डाला है। खड़े गर्म मसाले में मैंने लौंग, दालचीनी और मैंने छोटी इलायची को डाला है। साथ ही मैंने जीरा भी डाला है। तेजपत्ता डालना मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने लास्ट में तेजपत्ता को डाला है। आप लोग शुरू में ही तेजपत्ता को डाल देंगे फ्रेंड्स, जब मेरी सारी खड़े गरम मसाले थोड़े क्रैकल होने लगे। उसके बाद मैं इसमें प्याज डालूंगी फ्रेंड्स। आज दीपावली है इसलिए आप लोगों को पटाखे की आवाज़ आ रही होगी। देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स और प्याज काट रख के रखे हुए हैं। अब मैं इसमें अपने प्याज को डालूंगी, साथ ही साथ मैं ड्राई फ्रूट्स भी डाल दूंगी, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स पहले डाल देने से बहुत ज़्यादा लाल हो जाते हैं और उनका फ्लेवर अच्छा नहीं रह जाता है। इसलिए मैं प्याज के साथ ही डालूंगी, जिससे कि प्याज भी हमारे हल्के पिंक कलर के हो जाएँ और हमारे ड्राई फ्रूट्स भी हल्के रोस्ट हो जाएँ। देखिए मैंने एक साथ सबको डाल दिया है। अब मैं इन्हें अच्छी तरह चलाऊंगी। दोस्तों आप मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही थम्स अप का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। आज दीपावली है, भगवान गणेश और लक्ष्मी सभी लोगों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। देखिए मैंने इसमें 5-6 कटे हुए आलू के टुकड़े भी डाल दिए हैं। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से आलू कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सभी प्याज और ड्राई फ्रूट के साथ मैं धीरे धीरे आलू को भी फ्राई करूँगी। मैंने देहरादून के बासमती चावल को धो के और 2 घंटा के लिए थोड़ा सा फुला दिया था फ्रेंड्स। देखिए अब मैं इसमें अदरक लहसुन डाल रही हूँ। अदरक लहसुन डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह चलाना है। अब देखिए मेरा प्याज भी ज़्यादा लाल नहीं हुआ, मैंने प्याज को लाइट पिंक किया है। साथ ही मैं अदरक लहसुन के साथ आलू और प्याज को भून रही हूँ। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। अब मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। साथ ही मैं अब इसमें थोड़ा सा हल्दी भी डाल दूंगी। इसे इन सब चीज़ों को डाल के हमें अच्छी तरह इसे भूनना है फ्रेंड्स। हमें चीज़ों को अच्छी तरह भूनना है। देखिए दोस्तों दही भी अच्छी तरह से भून गए हैं और सारे मसालों ने अपना तेल छोड़ दिया, रिलीज कर दिया है। दही भी खूब अच्छे तरह से
मिक्स हो गए हैं। देखिए मेरे मसालों का कलर कितना अच्छा आया है फ्रेंड्स। यह बिरयानी पुलाव जो भी कहें, यह बहुत ही टेस्टी होता है। यह वन पॉट मील है, बहुत ही जल्दी बन जाएगा फ्रेंड। इसके बाद इसमें धोए हुए देहरादून के बासमती चावल को डाला है। मैंने इसे लगभग 1.5 से 2 घंटे तक भिगो के रख दिए थे। वैसे इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप हाफ एन आवर भी भिगो के रख सकते हैं। अब हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें इन्हें इतनी देर तक भूनना है कि हमारे सारे चावल अलग से अच्छे से सेपरेट हो जाए और उनका पानी भी जो है हल्का फुल्का वो सूख जाए और चावल का दाना दाना लगभग अलग हो जाए। इन्हें लगातार चलाते हुए मैं भून रही हूँ फ्रेंड्स। इन्हें लगातार ही भूनना है जिसमें कि हमारे चावल बढ़िया से फ्राई हो सके। देखिए दोस्तों, लगभग मेरे चावल अच्छी तरह से भून गए हैं। इनका सारा पानी जो भूनने से पहले था, ऑयल सारा कुछ इनमें बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैंने इसमें मटर भी डाल दिया है। मेरे मटर फ्रोजन है इसलिए मैं थोड़ा सा भुनने के बाद डाल रही हूँ, अन्यथा ये पूरी तरह मैश हो जाएंगे। इन्हें अच्छी तरह से मिला लेने के बाद और अच्छी तरह से भुनने के बाद देखिए कितनी अच्छी तरह से भून रहे हैं। देखिए मेरा एक एक दाना भुनने के बाद बिल्कुल अलग अलग हो गया है फ्रेंड्स। हमें लगभग इन्हें इतनी ही देर तक भूनना है। अब मैंने इसमें पनीर को डाल दिया है। मैंने पनीर को फ्राई नहीं किया है, आप चाहें तो पनीर को फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने पनीर को बिल्कुल इसी तरह डाला है क्योंकि इससे पनीर सॉफ्ट रहते हैं। आप चाहें तो पनीर को फ्राई करके थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में रख के डालें, पनीर उससे भी सॉफ्ट रहेंगे। मैंने बताया था मैंने तेज पत्ता डालना भूल गई थी, इसलिए मैं अभी डाल रही हूँ, लेकिन आप लोग शुरुआत में ही डाल देंगे क्योंकि तेज पत्ता का फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है, चाहे वो पुलाव हो या बिरयानी। मैंने इसके ऊपर अब लास्ट में थोड़ा सा किचन किंग डाला है। मैंने गरम मसाले के जगह पर किचन किंग का प्रयोग किया है क्योंकि किचन किंग में लगभग सारे मसाले रहते हैं, इनमें गरम मसाले से भी ज़्यादा फ्लेवर वाले मसाले रहते हैं। इसके फ्रेंड्स आप अपने किचन में एक किचन किंग अवश्य ही रखें। किचन किंग डालने लगभग 1 बड़े चम्मच किचन किंग डालने के बाद मैं इन्हें अच्छी तरह मिला लूँगी। देखिए मेरे चावल कितने अच्छे लग रहे हैं। अब लास्ट में मैंने इसमें नमक डाला है और अच्छी तरह से मिला लूँगी दोस्तों। सॉरी फ्रेंड्स, आज दीपावली है इसलिए आपको पटाखे की आवाज़ आ रही होगी।
अब मैंने इसमें केसर को जो मैंने थोड़े से पानी में भिगो के रखा था उसे डाला है। केसर डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और साथ ही मैं पानी भी डाल दूंगी। मैंने इसमें चावल से डेढ़ गुना पानी डाला है। मैंने 2 कप भर के चावल दिए थे फ्रेंड, तो मैंने लगभग 3 कप पानी डाला है। आप चाहें तो दुगना पानी भी डाल सकते हैं। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो 3 कप पानी डालिएगा, अगर आप पॉट में बना रहे हैं तो 4 कप भी डाल सकते हैं। मैंने लगभग 3.5 कप पानी के लिए थे। अब मैं इसमें गुलाब जल और साथ ही केवड़ा एसेंस भी डाल दूंगी। ये दोनों चीज़ें डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है फ्रेंड्स। और अब हम इन्हें थोड़ा सा बॉयल आने के बाद इन्हें मैं ढक दूंगी। देखिए मैंने इन्हें ढक दिया है। अब ये मैं बीच में थोड़ी देर बाद एक बार चला लूंगी। ये रेसिपी बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। और पॉट में एक बार आप डाल दीजिए, बीच में एक दो बार चला दीजिए और आपकी सारी रेसिपी बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगी फ्रेंड्स। बीच में मैं खोलकर उसके ऊपर मैंने तले हुए प्याज के डाले हैं। थोड़ा सा तला हुआ प्याज मैं अभी डालूंगी जिससे कि इसका टेस्ट, ये पूरी तरह ब्राउन किए हुए हैं और थोड़ा सा मैं डेकोरेशन के लिए रखूंगी जिसे मैं लास्ट में डालूंगी फ्रेंड्स। अब मैंने इसे ढक के छोड़ दिया है जब तक इनके पानी पूरी तरह सूखते नहीं है। बीच में एक बार होगा तो मैं चला लूंगी। देखिए मेरे पानी पर सूखने के पर आए हैं। अभी मैंने इन्हें दम पर नहीं रखा है। जब पानी अच्छी तरह से लगभग सूख जाएंगे तो फिर मैं इन्हें दम पर रखूंगी फ्रेंड्स। दम पर रखने के लिए मैंने चावल को देखिए फ्रेंड्स मेरी पुलाव बिरयानी बनकर पूरी तरह तैयार है। यह बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स। यह आलू मटर और पनीर पुलाव है, बहुत ही मज़ेदार 1 पॉट मील। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, थम्स अप दबाइएगा और प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली। जब तक के लिए मैं नई डिश लेके आती हूँ। टिल देन बाय बाय।